Hey everyone, आज के इस टी विद वैष्णवी के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ बाइबल का वो वचन शेयर करना चाहती हूँ, कोलोसियों 3:23, जिसमें पॉलस कहता है कि अपने सारे काम पूरे मन और लगन के साथ करो, जैसे मनुष्य के लिए नहीं परंतु परम प्रधान परमेश्वर के लिए कार्य करते हो। उसने ये इसलिए कहा क्योंकि वो जानता था कि जब भी हम मनुष्य के लिए सोचकर काम करते हैं तो निराशा आती है, डिसअपॉइंटमेंट आती है, जिसकी वजह से हमारे काम में खोट आ जाती है। हम अपने काम को उस लगन उस मनोभाव से नहीं कर पाते जैसे हमें करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना काम ये सोच के करते हैं कि ये हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं तो हम अपना प्रथम और उत्तम दे पाते हैं और हमारे काम को प्रशंसा मिलती है, महिमा मिलती है जो परमेश्वर की ओर से आती है। परमेश्वर हमेशा किसी का कर्जदार नहीं रहता, वो हमेशा फलवंत करता है उनको जो मेहनत करते हैं, लगन से काम करते हैं, निष्ठा से काम करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं। सिर्फ फलवंत ही नहीं करता, शांति देता है, आनंद देता है, और जो सफलता वो देता है ना उसमें दुख नहीं जुड़ा होता बल्कि सुख और खुशी जुड़ी होती है। इसलिए जो भी करें ऐसा करें जैसे खुद के लिए या किसी और के लिए नहीं परमेश्वर के लिए कर रहे हो। हाल ही में एक नए शूट के लिए गई थी नोएडा, मेरी रम्मा सबसे स्पेशल। मुझे वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत यंग टैलेंटेड माइंड्स के साथ मैं काम कर रही थी। सिंदबाद जिसने ये वेब फिल्म को लिखा भी है स्टोरी और प्रोड्यूस भी किया है, और डायरेक्टर गौरव धनकर जिसने स्क्रीन प्ले लिखा है और डायरेक्ट किया है। हम एक ब्यूटीफुल हेरिटेज साइट मल्हार हवेली पे शूट कर रहे थे। इट वॉज़ अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद न्यू यंग टैलेंट्स। इनके अंदर इतनी एनर्जी है, इतने नए आइडियाज़ हैं, वेरी अपकमिंग, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी स्टोरी को लाइफ दी है, अच्छे कैरेक्टर्स और एक्टर्स को लिए हैं। सो आई एम ऑलवेज ओपन टू सच काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड यू नो अनयूजुअल वर्क, एंड आई रियली थैंक गॉड फॉर ऑल दीज अपॉर्चुनिटीज। मैं ये कभी नहीं सोचती कि कोई काम छोटा या बड़ा होता है या यंग न्यू टैलेंट्स के साथ काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, बिकॉज एट सम पॉइंट वी वर ऑल न्यू एंड रॉ। तो चाहे नए लोग हों एस्टेब्लिश्ड हों, मैं ऐसा ही काम करूँगी कि मैं अपने परमेश्वर के लिए कार्य कर रही हूँ ताकि मैं अपना उत्तम और प्रथम दे सकूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना नोटिफिकेशंस के लिए, क्योंकि हर हफ्ते मेरी ये प्रयास होगी कि मैं आपको एक नया एपिसोड लेकर आऊँ टी विद वैष्णवी, रिफ्रेशमेंट्स फॉर द सोल।